पाकिस्तानी अमेरिकन खवातीन की नुमाइंदा तंजीम अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन ACMW के ज़ेरे एहतमाम हसबे रवायत इस साल भी यौम आज़ादी पाकिस्तान रवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में बाजा रूही और उनकी साथियों के ज़ेरे एहतमाम कोनी आइलैंड एवेन्यू पर न सिर्फ यौम पाकिस्तान की तकरीब का एहतमाम किया गया बल्कि मुस्तहिक अफराद में इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कुर्बानी का गोश्त भी बिला इम्तियाज़ तकसीम किया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली के अलावा असम्बली मैन रॉबर्ट कैरल, कौंसल मैन मैथ्यू यूजीन, कांग्रेस वुमेन एवेट क्लार्क की नुमाइंदा समेत कम्युनिटी कायदीन और अरकान बड़ी तादाद में शरीक हुए। अमेरिकन काउंसिल ऑफ माइनॉरिटी वुमेन और इस्लामिक रिलीफ की जानब से मुस्तहिक अफराद में दो मराहिल में 3,500 पाउंड कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया जो कि कौंसिल की अहदेदारान बाजा रूही, इरम हनीफ, निगत फातमा, बुशरा अशरफ, यास्मीन हमीद, अंजुम कायद, अहमद लतीफ, महवेश फातमा, फरहान शेख और इमरान कासम खान ने कौंसल जनरल आयशा अली, असम्बली मैन रॉबर्ट कैरल के साथ मिलकर तकसीम किया। असम्बली मैन रॉबर्ट कैरल की जानब से ACMW के खिदमत खल्क के कामों को शानदार अल्फाज में सराहा गया। बाद अज़ां ACMW की जानब से यौम आज़ादी पाकिस्तान मनाया गया और कौंसल की जानब से यौम पाकिस्तान कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों के नाम किया गया और इस सिलसिले में कौंसल के लोगों का रंग भी सुर्ख कर दिया गया। ACMW ने कौंसल जनरल समेत दीगर मेहमानों ने खसूसी के साथ मिलकर यौम पाकिस्तान का केक काटा तो फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कौंसल जनरल ने यौम आज़ादी पाकिस्तान की मुबारकबाद दी और कश्मीर की सूरत हाल का भी जिक्र किया। I think it has been amazing. So everyone in ASMW, all of you and all the other women's organizations, the way you have worked, it's been amazing. अभी recently पाकिस्तान में एक साल हुए हैं जब से इंडिया ने आज तक 370 को रिवोक किया और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। उसके बाद कश्मीरियों के साथ जो जुल्म किया गया वो अभी तक जारी है और जो लॉकडाउन अभी जारी रहा उसकी हमने एक कमेमोरेशन देखी पाकिस्तान से। बहुत सारे इवेंट्स भी हुए, बहुत सारे वेबिनार्स भी हुए जिसमें आप सब ने हिस्सा लिया। और ये बताना चाहूँगी कि डिस्पाइट कॉन्डमनेशन, ग्लोबल एंड वर्ल्ड वाइड कॉन्डमनेशन, जैसे खदीजा ने भी कहा कि मोदी सरकार जो है अपनी फैशिस्ट पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर रही है बहुत ज़्यादा ब्रेजनली, और अब एक डेमोग्राफिक चेंज किया जाने लगा है जम्मू एंड कश्मीर में। बाहर से लोगों को लाकर लाखों की तादाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बसाया जा रहा है ताकि आइंदा जो डेमोक्रेसी बने कश्मीर की वो उसकी असली रूट्स और उसकी असली ओरिजिन से बहुत मुख्तलिफ हो। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखें। I appeal to all the Pakistani Americans and the diaspora abroad to continue to raise their voice. कौंसल मैन मैथ्यू यूजीन, कांग्रेस वुमेन एवेट क्लार्क की नुमाइंदा समेत दीगर मुकामी कायदीन ने भी ACMW समेत पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी।